हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मेरे चैनल का नाम इंडियन ब्लॉगर अनुराधा चैनल है। तो प्लीज़ पहली बार भी जो भी मेरे नई फैमिली के मेंबर आए होंगे यूट्यूब फैमिली के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों मुझे, ताकि मैं भी सबकी तरह आगे बढ़ पाऊँ। और बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो सब्र का फल मीठा होता है। तो मैं सोचती हूँ भगवान मेरा मतलब मेहनत का फल कभी ना कभी तो देंगे, क्योंकि मैं मेहनत करी जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, क्योंकि दोस्तों घर भी संभालना पड़ता है साथ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो बनाने का ही काम होता है मुझे, तो मुझे घर का भी काम करना पड़ता है, मेरी बेटी का काम भी करना पड़ता है, उसको नहाना धुलाना, तो फिर उसका मेकअप सेकअप सब काम करना पड़ता है ना दोस्तों, खाना बनाना पड़ता है। तो दोस्तों मतलब सब काम करना भी ज़रूरी है हमारे लिए, और घर संभालना भी ज़रूरी है। तो पतिदेव जो है बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं बाहर, तो अकेले होना मतलब सब घर को संभालना कितना मुश्किल होता है ना दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे। और आज मैं आपके सामने जो है कुछ बताना चाहती हूँ, आपके साथ सच्ची बात बताना चाहती हूँ दोस्तों। दोस्तों मुझे कमेंट करते हैं कि आप जो है कमेंट का आंसर क्यों नहीं दे पाते हो, आप क्यों नहीं देते हो। तो दोस्तों मैं हर किसी कमेंट का आंसर नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है दोस्तों, और एक फ़ोन से मैं ब्लॉग शूट करूँ या फिर आंसर दूँ दोस्तों तो बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। इसलिए जो जो मेरे दिमाग में है, मैं पढ़ के जो पहले पढ़े हुए हैं, तो वो उनका आंसर किसी का दे पाती हूँ मैं, अदरवाइज नहीं दे पाती हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आप रूठिए नहीं, कभी ना कभी मैं इसके ऊपर भी ब्लॉग बना दूँगी आपके क्वेश्चन और आंसर का। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगता है, मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। अगर थोड़े बहुत भी 1% भी अच्छे लगते होंगे ना दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा मेरे ब्लॉग, क्योंकि आपको समझ नहीं आएंगे जो मैं खुद की मन की बात बताना चाहती हूँ, कुछ बोलती हूँ या फिर कुछ दिखाती हूँ मेरी वीडियो में। अगर आप स्किप कर करके देखोगे ना, तो आप बीच बीच का पार्ट छोड़ दोगे, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा मेरी वीडियो जो है। और मैंने पहले बता चुकी हूँ, मुझे पूछते रहते हैं कि दीदी आप कहाँ से हो, कहाँ रहती हो, और मतलब हस्बैंड क्या करती है। मैं सब कुछ बता बैठी हूँ जो पहले वाले ब्लॉग है, एकदम सच्चा बताया है मैंने कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट है मेरा मायका जो है। और दोस्तों मेरी शादी जो है वो महाराष्ट्र में हुई है, शिरडी में हुई है, जहाँ पे साईं बाबा का स्थान है शिरडी, वहाँ पे। तो मैं बार बार बोल देती हूँ दोस्तों, फिर भी मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि मतलब पीछे वाले ब्लॉग छूट जाते हैं उनसे, जैसे वो दूसरा ब्लॉग देखते, तो मैं उसमें किसी में नहीं बताती हूँ। तो मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं शिरडी से हूँ, मेरा ससुराल, और शिरडी जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र मतलब इंडिया। तो दोस्तों प्लीज़ थोड़ी बहुत भी 1% भी अच्छी लगती होगी ना मेरी ब्लॉग जो है वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं जो हूँ इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं मतलब वीडियो अपलोड करती हूँ और 10 मिनट के बाद हजारों लाखों और मिलियन में व्यूज़ आते हैं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि मैं शुरू से मतलब कदम रखा है, तो धीरे धीरे ही आएगा उसका जो फल है, बोलते हैं ना फल मिलता है, तो धीरे धीरे ही होगा। तो दोस्तों प्लीज़, एक छोटे से गांव की हूँ मैं, और गांव की बहू हूँ दोस्तों, तो प्लीज़।